यक्षाक्षात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये संभोगे विप्रलम्भे निर्भयमभयं भाति भूतोरसानां विक्षेपे वा समाधौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैर्नूनम् इत्थं लोकैरशोकैः अनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूरानन्दतीर्थः पतिपतिपतितान् नन्दयन् दम्भन्ति ॐ स्मृतापि करुणाततं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुकृतां बलयिता चतैर्विद्युतम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरकृमालन्दिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः श्रीमैत्रेय उवाच राजा उत्थान का ध्रुव का राज्याभिषेक करके स्वयं विरक्त होकर आत्मानुसंधान करने के लिए वन में चले गए। विमृशन नात्मनो गतिम। अब ध्रुव का वर्णन करते हैं। ये ध्रुव संबंधी जितना वर्णन है वो काल का वर्णन है, क्योंकि ध्रुवता नित्यता काल की दृष्टि से होती है। वर्णन में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्रजापति की पुत्री थी भ्रमी। भ्रमी माने घूमना, चक्कर लगाना। किस प्रजापति की पुत्री थी तो बोले शिशुमार की। जो शिशुमार चक्र आकाश में ग्रह नक्षत्रों से बनता है उसकी पुत्री भ्रमी, उसके साथ विवाह हुआ ध्रुव का। अब ध्रुव के जो पुत्र हुए वो भी काल से संबद्ध हैं। उनका नाम था कल्प और वत्सर। वत्सर माने संवत्सर और कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन। दूसरी पत्नी से उनके हुए उत्कल। उत्कल माने जिसमें कला शास्त्रा भी रूप काल का संबंध न हो, काल के संबंध से मुक्त। एक काल संबंध से युक्त संतान परंपरा चली और एक काल संबंध से विमुक्त। अब आगे वर्णन करते हैं कि जो उत्तम था वो सुरुचि का बेटा था। ठीक, रुचि तो बहुत उत्तम उत्तम होती है। और उत्तान पाद का पुत्र था, उन्नति चाहने वाले का यही थी। परंतु भगवान के आश्रय से जो वस्तु होती है वो शाश्वत होती है और भगवान का आश्रय छोड़कर के जो वस्तु होती है वो चार दिन की चांदनी चमकी और लुप्त हो गई। उत्तम ने विवाह नहीं किया, उसको शिकार का व्यसन हो गया, मर गया। उत्तम स्वकृतोद्वाहो मृगयायाम्बलीयसा हतः पुण्यगणेनाद्रौ
अब भगवान से प्रेम नहीं हुआ और हिंसा व्यसनी हो गया, ये जुआ में भी शिकार ही होता है। आप लोग ध्यान दे के देखना, एक तरह का शिकार ही तो जुआ। नानक हस्त भूतानी भोग संभव थे, दूसरे को दुख पहुंचाए बिना कोई भोगी हो ही नहीं सकता। जब एक आदमी बहुत भोग करेगा तो दूसरे के भोग की हिंसा अवश्य होगी। अब उसको महाराज पूर्ण जनों ने मार दिया, क्योंकि भगवान का आश्रय तो था नहीं, कोई रक्षक नहीं, पुकारे भी तो किसको पुकारे भी था। माता गई ढूंढने तो सुरुचि की भी वही गति हो गई। अब एक वर्णन ये करते हैं कि यदि भक्त के ऊपर कभी विपत्ति आती है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसके सहायक भक्त लोग होते हैं। एक दूसरी बात और बताइए कि भक्त से भी बढ़ करके भगवान, भगवान से भी बढ़ करके भक्त। ये भागवत पुराण है, भगवत पुराण है, ये भगवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण है, भक्तों का पुराण है। इसमें भगवान की महिमा खूब आई है, परंतु उससे भी अधिक भक्तों की महिमा आई है। तो ध्रुव को हुआ भगवान का दर्शन, परंतु दर्शन हो जाने पर भी वो निर्विकार नहीं हुए, उनके मन में विकार बने हुए। ये बड़ी विचित्र बात। जब ध्रुव ने सुना कि हमारे भाई को जक्षों ने मार दिया है तो उनको क्रोध आया, अमरसा शोक आया, और महाराज जैत्र चंदन पर बैठ के जिस पर चढ़ के जीत ही जीत होती है, हार नहीं होती है, ऐसा रथ उनके पास, उस पर बैठ करके उन्होंने धावा बोल दिया अलकापुरी पर, हिमाचल पर, और रुद्र के अनुसार जक्ष लोग वहां रहते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, इतने बाण मारे, भक्त लोग जो हैं वो युद्ध का मौका पड़ जाए तो उसमें किसी से कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि अकेला सैनिक हार जाए, लेकिन जो भगवान का सैनिक है उसको तो ये ख्याल है कि हमारे पीछे सेनापति है, हमारे पीछे स्वामी है। भक्ति से आत्मबल घटता नहीं, बहुत बढ़ जाता है। जो लोग मानते हैं कि भक्त विश्वासी होता है उसमें आत्मबल कम हो जाता है, तो वो बहुत गलत बात है। तो महाराज 1,30,000 जत्थों को उन्होंने एक साथ तीन तीन बाण मारे थे, माने उनके पास कितने बाण होंगे और बाण चलाने में कितनी फुर्ती होगी, और सबका निशाना ललाट पर लगे। आप लोगों को तिलक करते हैं, थोड़ा रक्त निकलेगा ललाट में तो रक्त तिलक हो जाएगा, महाराज ऐसे बाण उन्होंने मारे। अब उसके बाद उन लोगों ने ऐसे अस्त्र शस्त्र बरसाए ध्रुव जी पर कि हाय हाय मच गई, ध्रुव जी का रथ घट गया, अरे ध्रुव मरे, ध्रुव मरे। परंतु उन्होंने वो महाराज अस्त्र शस्त्र चलाए कि सारे जक्षों के बाण जो हैं वो कट गए। अब तो नारायण कोई जक्ष न दिखे युद्ध भूमि में। तो ध्रुव के मन में एक बार आया कि आओ चलें जक्षपुरी में हुआ। फिर विचार आया कि बाबा शत्रु पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो क्या माया रखते हों, शत्रु के दिल की कौन जाने, शायद वो कुछ और माया रखते हों। इसी बीच में जक्षों ने अपनी माया की सृष्टि की और अस्त्र शस्त्रों से ढक दिया। अब तो एक ओर से समुद्र में बाढ़ आ रही है तो दूसरी ओर से कबंद गिर रहे हैं, तीसरी ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है, चौथी ओर से बाघ हाथी शेर ध्रुव की सेना पर टूटे पड़ रहे हैं। अब तो महाराज जितने ऋषि मुनि भक्त थे भगवान के, वो सब के सब आशीर्वाद देने लगे ध्रुव को कि हे प्रभु ध्रुव का कल्याण हो। औत्तान पादे भगवान तव चारंग धन्वा देवक्षिणो पवनतार्तिहरो विपत्थान
जन्नाम भेयम अधिधाय निशम्य चाब्धा लोकोंजसा सरती दुस्तर मंग मृत्यु। प्रभु तुम्हारे शत्रुओं का नाश करें ध्रुव, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के मनुष्य मृत्यु से ही पार हो जाता है, वे ही तुम्हारे रक्षक हैं। अब तो ध्रुव ने महाराज नारायणास्त्र का उपयोग प्रारंभ किया, माया सब की सब नष्ट हो गई। ये हुआ कि आप जक्षों का विनाश हुआ, आप जक्षों का विनाश हुआ। जिस समय नारायणास्त्र उठाया ध्रुव ने अपने हाथ में, माया सब की सब छिन्न भिन्न हो गई। उसी समय मनु भगवान जो उनके दादा थे, ये भागो जो काम भगवान के दर्शन से नहीं हुआ था, मानो उसको पूरा करने के लिए परम भागवत साक्षात मनु, ये भागवत है। 12 भागवतों में मनु जी की भी गिनती है। जो महाराज आके प्रकट हो गए और बोले, अलम बच्चा के रोते रहा, बेटा गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, ये नरक का दरवाजा है, ये नरक का दरवाजा है, बड़ा भारी पापी है। देखो इसी क्रोध के बस में होकर के तुमने जक्षों का संहार किया है, ये हमारे वंश के अनुरूप नहीं है। अरे ये तो देवता हैं, किसी एक जक्ष ने अपराध किया था और तुमने तो प्रसंग बस बहुतों को मार दिया, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। भगवान के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, वे ऐसे मार्ग से नहीं चलते हैं। सर्वभूतात्म भाव से देखो, ये अपने आप को केवल स्थूल शरीर समझ के पशु की तरह दूसरों से दुश्मनी करना, ये भक्त के लिए शोभा नहीं देता है। सब में एक परमात्मा है, परमात्मा सबके शरीर में रहते हैं। तुम भूतावास भगवान श्री हरि की आराधना करो, तुमने भगवान का दर्शन किया है, तुमने उनका चिंतन किया है। बेटा तुम इतने बड़े भक्त होकर, हमारे वंश में पैदा होकर, कथम स्वध्यम कृतवान अनुशिक्षण सतामृतम, तुमने ऐसा काम किया जो जवान पर लाने लायक नहीं है। अवध्य मान जो वध्य न हो, उसका नाम अवध्य। तुमने एक ऐसा काम कर दिया जो वाणी पर लाने लायक नहीं है। साधु की महिमा, भक्त की महिमा इसमें है कि वो सहन करे। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कोई तुम्हारे साथ उपद्रव करे तो सहो, दुखी हो उसके ऊपर करुणा करो, सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, सबके प्रति समता का भाव रखो, क्योंकि ईश्वर क्या है, बोले सर्वात्मा है। सर्वात्मा एक वैज्ञानिक है अपने सीवी रामन, वो कहते हैं कि विद्या की बहुत सी शाखाएं हैं और एक शाखा से एक बात का, एक वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है। यदि कहीं सब विद्याओं का आश्रय एक है और यदि सब विद्याओं का विषय एक है तो वही न परमेश्वर होगा। सब विद्याएं एक जगह से निकलती हैं और एक जगह जा करके समाप्त होती हैं, उस सर्वात्मा का नाम परमेश्वर है। समस्ते नित्य सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान को प्रसन्न करने का उपाय यही है कि उसको सर्वात्मा के रूप में देखो और किसी को हानि मत पहुंचाओ। भगवान प्रसन्न हो जाए, जीव जीवत्व से विनिर्मुक्त होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय तो ऐसे ही चलते रहते हैं। परमात्मा से कोई अपना पक्ष या विपक्ष नहीं है। कोई उसको कर्म कहते हैं, कोई स्वभाव कहते हैं, कोई काल कहते हैं। यदि वस्तु वही है तो नाम अलग अलग रख लें तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो बेटा जक्षों ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और न तो तुमने जक्षों को मारा। मनुष्य के हाथ में असल में कुछ नहीं है।
वही परमेश्वर सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वही सबसे सब कुछ कराते हैं। तमेव मृत्यु ममृतम सात दैवम सर्वात्मनो के ही जगत परायणम, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वही मृत्यु है और वही अमृत है, वही रक्षक है और वही संहर्ता है। 5 बरस की उम्र में माँ को छोड़कर बाप को छोड़कर तुम वन में गए और भगवान की आराधना करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। त्रिलोकी से उसके सिर पर तुम्हें चरण रखने का वरदान प्राप्त हुआ, तुम्हें मुक्त विग्रह भगवान का दर्शन हुआ, वही प्रत्यगात्मा है। तुम धीरे धीरे उनकी भक्ति करो, धीरे से तुम्हारी अविद्या ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। भक्तिम विधाय परमाम सनकैर अविद्या ग्रंथिम विभेद्यति ममाहमिते प्ररूढ़म। तुम भगवान की करो भक्ति, धीरे धीरे अविद्या की गांठ खुल जाएगी। अविद्या की गांठ का स्वरूप क्या है? ममाहमिति प्ररूढ़म। ये जो देह में मैं और इसके संबंधियों में मेरापन है, यही अविद्या की ग्रंथि है। क्रोध, क्रोध को संयत करो, क्रोध को रोको, ये क्रोध मनुष्य का नाश कर देता है। विद्वान को कभी इसके वश में नहीं जाना चाहिए। मैंने बेटा तुमको समय पर ये बात बताई है कि ये शंकर जी के भाई हैं, सखा हैं, कुबेर, इनकी तुमने अवहेलना की है, इनके सेवकों को तुमने मारा है, तो जल्दी से जल्दी तुम कुबेर को प्रसन्न कर लो, क्योंकि कुबेर हैं भगवान के भक्त और महापुरुषों का तेज वंश को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार महाराज जो काम भगवान के दर्शन से नहीं हुआ था, वो काम आज के परम भागवत मनु जी ने ध्रुव को उपदेश करके किया। अब तो ध्रुव ने झट मारा, उनका तो क्रोध उनके बस में, उनका मन उनके बस में, तुरंत क्रोध को भगा दिया। और जब कुबेर को मालूम हुआ कि ध्रुव का क्रोध हट गया, तो अभिमान छोड़ करके वो तुरंत ध्रुव जी के पास आए और बोले कि ओ क्षत्रिय, क्षत्रिय कुमार धन्य है तू, क्योंकि अपने बड़े लोगों गुरुजनों के प्रति इतना आदर है कि उनके कहने मात्र से तूने क्रोध छोड़ दिया। क्रोध छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है न भाई, तुमने मेरे जक्षों ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और न तुमने जक्षों को मारा, ये तो समय ही ऐसा आ गया है। मैं मेरा ये बिल्कुल स्वप्न की वृत्ति है। स्वापनी वाभाध्यानाथ जया, ये स्वप्न में ही मैं है, स्वप्न में ही पराया है, स्वप्न में ही बंधन है, स्वप्न में ही विपर्जय है, और ये स्वप्न निद्रा दोष से अज्ञान से हुआ है, ये बुद्धि बिल्कुल झूठी है। तो तुम सर्वात्म भूत भाव से, सर्वात्म भाव से भगवान का भजन करो, उसी से संसार छूटता है। उनकी माया तो सब की सब फैल रही है। और कुबेर ने और कहा कि राजा तेरे मन में जो हो तो मान ले, कोई शंका मत कर, क्योंकि मैंने सुना है कि तू भगवान का बड़ा भक्त है। अब जब इस तरह कुबेर ने कहा तो ध्रुव जी तो बड़े भागवत महामती, ये नहीं कहा कि हम भक्त हैं तुम हमको क्या दोगे, ये तो बड़े अभिमान की बात हुई। बोले हाँ हाँ महाराज, आपकी बड़ी कृपा बड़ा अनुग्रह हमको तो चाहिए। बोले हरौ सबब्रे चलिताम स्मृतिम जया तरस्य यत्ने न दुरत्ययम तमहा। उन्होंने कहा कुबेर जी महाराज हमको भगवान की अखंड स्मृति दीजिए कि फिर से हमारे मन में कभी क्रोध न आए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। अब तो महाराज कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी अपने नगर में आए, बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने, सर्वात्मा भगवान के चरणों में बड़ी भारी भक्ति की। यही एक उनका अनुभव था, ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवा अवस्थितं विभुम्। वो बस परमात्मा का दर्शन करते, हमने भी वही और सब में वही, ये परमेश्वर का दर्शन ही उनका अनुभव था। अब तो महाराज प्रजा तो उनको अपने पिता के समान मानती थी, 36,000 वर्ष उन्होंने शासन किया। देखा उन्होंने कि ये जो विश्व है, मन्यमान इदम विश्वम
माया रचितम आत्मनि, ये अपने आप में अपने भीतर ही जादू का खेल दिखाई पड़ा है ऐसा उन्होंने देखा। अविद्या रचितम स्वप्न गंधर्व नगरोपमम, ये अविद्या की रचना है और स्वप्न गंधर्व नगर के समान ये बना हुआ है, ये संसार के साथ के सब संबंधी ऐसे ही है। तो उन्होंने सारी धरती को भूमंडल को नारायण काले पृष्ठ देख करके विशाला नगरी की यात्रा की और वहाँ जाकर के गंगा जल में स्नान किया, भगवान का ध्यान लगाया, समाधिस्थ हो गए। इसके बाद भक्ति की वो धारा खुली है महाराज, भक्तिम हरौ भगवते प्रवहन जस्रम आनंद वाष्पतलया मुहुरद्यमान, निरंतर भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति हृदय द्रवित, शरीर में रोमांच, अपनी कभी याद ही ना आवे, और जब अपनी याद ना आवे तो लिंग शरीर काहे तो रहेगा, जो जन्म जन्मांतर में ले जाए वो तो शरीर ही जल गया, जब दिल पिघला तो वो मुक्त, वो लिंग शरीर भी जल गया। अब देखा उन्होंने कि अब मेरा कुछ नहीं, स्वयं भगवान का वो विमान उनकी ओर से आ रहा है चंद्रमा के समान, उसमें भगवान के पार्षद ध्रुव जी ने उनको नमस्कार किया। उन लोगों ने प्रार्थना की कि अब आप लोग, आप ध्रुव जी पधारिए, आपने तो भगवान को प्रसन्न कर लिया है, वे अब आपको वो स्थान दे रहे हैं चंद्रमा सूर्य आदि जिसकी परिक्रमा करते हैं, आप तुरंत उस पर अधिरोहण कीजिए। अब उनकी बात सुन करके, बात तो बड़ी प्यारी लगी, लेकिन ये नहीं कि बस जल्दी में दौड़ के विमान पर चढ़ गए, है ना, चलो चलो चलो। उसके बाद उन्होंने स्नान किया, अपना नित्य कर्म किया, एक एक आश्रम में जाके मुनियों को नमस्कार किया, उनसे आशीर्वाद लिया, भगवान की पूजा करके, विमान की पूजा करके, पार्षदों की पूजा करके और हिरणमय रूप धारण करके उन्होंने जो प्रवेश करने का संकल्प किया, उसी समय मौत आकर उनके सामने खड़ी हो गई। महाराज, जो मर्त्य लोक में जन्म लेता है उसको हमें पार करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटी तू भी पवित्र हो गया, उसके शरीर पर अपना पांव रख के उसको पवित्र करके, माने बिना मरे, इसका अर्थ हुआ कि बिना मरे ही इसी शरीर से उन्होंने विमान पर आरोहण किया। बाजे बजने लगे, गंधर्व लोग गान करने लगे, अब उन्हें अपनी माँ सुनीति का स्मरण हुआ। तो पार्षदों ने कहा कि वो देखो आगे चली जा रही हैं। इस तरह से महाराज वो त्रिलोकी के पार गए और जा करके जहाँ शांत समदर्शी शुद्ध महात्मा लोग रहते हैं वहाँ निवास किया, वो त्रिलोक के चूड़ामणि के समान हो गए। काल जो है वो उनकी सेवा करता है। नारद जी ने कहा कि सचमुच ध्रुव को जो गति प्राप्त हुई वो बड़े बड़े वेदवादियों को नहीं प्राप्त हो सकती, 5 वर्ष की उम्र में और इतनी बड़ी तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और जैसे अपने पुत्र की उन्नति से पिता को सुख मिलता है, वैसे ही अपने शिष्य की उन्नति से गुरु को भी सुख मिलता है। तो बड़े ही प्रसन्न हुए नारद जी और वो ध्रुव की महिमा का गान करते फिरे। इस प्रकार ये ध्रुव के चरित्र का जसस्य आयुष्य सौमनस्य का वर्णन किया। इसको तो जो सुने गावे वो जो चाहे महाराज उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, और जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनको जगाने वाले भी, उनको मालूम कराने वाले भी बहुत दान करते हैं मानो, और ऐसे कृपालु दीननाथ के ऊपर देवता लोग भी अनुग्रह करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि जब ध्रुव का वैकुंठ पदाधिरोहण हो गया तो विदुर ने फिर से प्रश्न किया, महाराज मैंने प्रतिपाओं का नाम सुना है, वो कौन थे, क्या पूजा उन्होंने भगवान की की थी? तो मैत्रेय जी ने इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो ये समय से पहले ही प्रश्न हो गया। जब ध्रुव का वंश आवेगा सामने, ध्रुव के वंश का वर्णन होगा तो उसमें प्रतिता लोग अपने आप ही आ जाएंगे, और जब उनका वर्णन बाद में आने वाला है
तो अभी प्रश्न करके उसको छेड़ने की क्या जरूरत। तो मैत्रेय जी ने वर्णन किया कि ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। ये उत्कल उन्हीं के नाम पर उड़िया देश जो है, उड़िया देश, ये उत्कल उन्हीं के नाम पर है महाराज। अब जब ध्रुव जी वन में चले गए तब उसने कहा कि भले ये हमारे पिता का सिंहासन है परंतु हम इसकी हकदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। सार्वभौम श्रियम नई छत अधिराजासनम सुतो हो। बेटा तो वही है महाराज, जो कहें हम अपनी कमाई करके खाएंगे, दूसरे की कमाई दे के क्या करें। श्रम अपना होना चाहिए। हाँ, पिता से कह दे कि तुम अपनी कमाई धर्म के काम में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, और हमारा पौरुष है, हमारा प्रारब्ध है, हम भी कमाएंगे खाएंगे। बोले हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए तुमको भाई? तब हमको ये चाहिए कि हमको तो परमात्मा का अनुभव हो। जन्म से ही शांत निसंग समदर्शी था, ये नहीं कि वो पागल था। हो पागल नहीं था, सब में अपने आप को और अपने आप में सबको देखता था और अपने आप को साक्षात ब्रह्म रूप अवबोध रसई का नियम आनंद मनुसंतताम। बड़ा भारी महापुरुष हुआ वो। जो लोग ऐसे कह गुजरते हैं ना कि वो तो पागल हो गया ध्रुव का बेटा है, वो पागल नहीं हो गया, वो जीवन मुक्त अवधूत हो गया। नात्मनोन्यम तदैच्छत, अपने सिवाय तो और किसी को वो देखता ही नहीं था। जड़ बधिर उन्मुक्त के समान विचरण करता। अब बेवकूफ जो मंत्री थी, उन लोग मंत्री थे, उन लोगों ने कहा कि ये तो हमारे राज्य के काम का नहीं है। तो उन लोगों ने जो बत्सर था धमी का बेटा उसको राजा बना दिया। अब इनका वंश चला, इनके वंश में स्वर्गीति में बत्सर के पुष्पार्ण सिग्म केतु ईश आदि पुत्र हुए। और इस वंश में और बड़े बड़े महाराज शिवि आदि राजा हुए। और बाद में हुआ अंग। अंग की पत्नी जो थी वो मृत्यु कन्या सुनीता थी। अब यहाँ ये बात बतलाते हैं कि वंश का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की पवित्रता तीन तरह से होती है, उसके माता पिता मन रज गिर शुद्ध हो एक, और उसकी विद्या उपासना शुद्ध हो तीन, और उसका कर्म शुद्ध हो। ये जब तीनों बात शुद्ध होती है तब मनुष्य में पूरी श्रेष्ठता आती है। ये ध्रुव के वंश में जो राजा अंग पैदा हुए तो इनके बाप दादा परदादा पिता पितामह का वंश तो बड़ा शुद्ध था, परंतु इनकी जो पत्नी आई महाराज वो अच्छे खानदान की नहीं थी, मृत्यु वंश की पत्नी आई। अब महाराज वो सुनीखा नारायण, अब उसके देव नाम का पुत्र हुआ, वो महात्माओं का बड़ा विरोधी, उसी के दक्षिण के कर का मंथन होने पर विदुर की उत्पत्ति हुई। विदुर तो कथा के बड़े रसिया, उन्होंने कहा महाराज इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी ने वर्णन किया कि राजा अंग ने अश्वमेध किया। अश्वमेध यज्ञ, अश्व ये विश्व ही अश्व है, ये स्व के आगे अ लगाने पर जो निषेध अर्थ निकलता है वही बी उपसर्ग लगाने पर भी वही निकलता है। उसमें स्वा नहीं है, गति नहीं है, अश्व है, विश्व है, त्रिपाद है, अनेक इसके अर्थ होते हैं। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, माने संपूर्ण विश्व को भगवान के प्रति अर्पित करने का, बलि देने का, अश्व बलि देने का, विश्व बलि देने का जो यज्ञ है। कार्य समग्र कार्य का कारण में विलय। जब ये यज्ञ उन्होंने अपने मन में लिया तो देवताओं का आवाहन हुआ, देवता लोग आवे नहीं। अब तो सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए, राजा तुम्हारी भेंट पूजा देवता लोग कबूल नहीं करते हैं, और सब कुछ श्रद्धा भी है, पवित्र हविष्य भी है, देवता का कोई तिरस्कार नहीं होता, क्यों नहीं आते हैं? अब तो जजमान को दुख हुआ, पूछा क्यों नहीं लेते हैं महाराज, जरा पता लगाइए। सदसद पतियों ने कहा कि राजन तुम्हारे वंश नहीं है, आगे तुम्हारे
पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, एक अपराध के कारण। तो उस प्राक्तन अध के रहते देवता लोग नहीं आवेंगे, तो उन्होंने पुत्र जाग पुत्रेष्टि जाग उनसे कराया। अब तो देवता लोग महाराज आए और जंग करने से तो भगवान सब कुछ देते हैं। विष्णवेष्टाय उन लोगों ने पुरोदास का दान किया। अब अग्नि में से स्वर्ण पात्र में पायस लेकर देवता निकला और राजा ने उसको ग्रहण कर लिया और अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसका प्राशन किया, गर्भ धारण किया, पुत्र भी हुआ। परंतु वो जो बालक देखो यज्ञ से बेटा हुआ, देखो एक बात इसमें ये है, राजा श्रद्धालु है और यज्ञ विधि पूर्वक हुआ और अग्नि में से देवता निकला, उसने दिया हविष्य और विधिपूर्वक उसका सेवन भी हुआ। लेकिन हे भगवान, वो नाना के घर का जो असर था इसमें भी आ गया, बड़ा ही प्रबल, बड़ा प्रबल आ गया महाराज उसके असर। अब उसी के कारण वो बेटा जो हुआ वो अधार्मिक हो गया, बड़ा भयंकर कर्म करे। महाराज जिधर वो जाए लोग ये ही कहें कि बेन आया, लोग रोना चिल्लाना शुरू कर दें। मनुष्याणाम अपि प्रोक्तो वेने राज्यम प्रशासति। मनु जी ने कहा कि पशुओं का जो धर्म था उसको मनुष्यों में प्रचारित करने का श्रेय वेन को ही मिला था। जैसे पशु रहते हैं वैसे मनुष्य रहे, उसके राज्य में ऐसा कानून बना दिया। महाराज बच्चों को मार डाले, राजा ने देखा कि हमारा बेटा बहुत बुरा, पहले भी ऐसा होता आया है महाराज, अब वो चाहे कि हम इसको दंड दें पर दंड दे न सकें। अब कहते हैं भाई कुपुत्र होने पर पिता को कितना दुख होता है, और ये जिनको भोगना न पड़े उन्होंने भगवान की बड़ी भारी आराधना की है, क्योंकि यदि पुत्र दुष्ट हो जाए तो आधी व्याधि सब होते हैं। तो महाराज ये पुत्र क्या है, आत्मा के लिए मोह का बंधन है, और यदि ये ठीक न मिले तो सारा घर दुख रूप हो जाता है, सारा घर पंडितों को जदर्थास्त ले सदा गृहा, सारी घर गृहस्थी दुखमयी बन जाती है। अब इसके बाद महाराज राजा को द्वेष का उदय हुआ। असल में भगवान के काम में दोष निकालना, जो भगवान कर रहे हैं सदैव यदेव कुरुते सदैव मंगला, भगवान जो कुछ करते हैं उसमें मंगल होता है। पहले समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। राजा की समझ जगी, भगवान की कृपा उतरी। उन्होंने कहा कि अरे अच्छा बेटा होता इससे अच्छा तो ये दुष्ट बेटा है। तो क्यों बाबा ये क्यों? बोले निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। अच्छा बेटा होता तो आसक्ति हो जाती, हम यहीं फंस जाते, घर गृहस्थी थोड़े न छूटती। अब ये तो हमको वैराग्य देने के लिए हमारा गुरु आया है। बड़े खुश हुए महाराज, अब उनके मन में आ गया बैराग। और रात को घर से उठे, नींद तो आती नहीं थी, और अपनी पत्नी को भी घर में छोड़ दिया और भग गए, घर से भग गए। अब जब प्रजा को मालूम पड़ा, चारों ओर ढूंढा गया, हाय हाय हमारा ऐसा महाराज देवता बड़ा भारी सत्पुरुष कहाँ चला गया, परंतु कहीं पता नहीं लगा। अंत में महाराज भृगु आदि महर्षि इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई राजा के बिना तो लोक की स्थिति सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि यदि कोई नियंता न हो तो पशु के समान बिखर जाती है प्रजा। उन्होंने बेन की माता को बुलाया, यद्यपि प्रजा नहीं चाहती थी। ये महात्माओं लोगों ने क्या किया, प्रकृत्य सम्मतम बेनम अभ्य सिंचन पशु भुवः। प्रकृति प्रजा जिसको बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसे बेन को राजा बना दिया। अब तो महाराज बड़ा भयंकर, वैसे शासक बड़ा भयंकर, शासक को थोड़ा भयंकर होना भी चाहिए। नक्षत्री दंड नीतौ हताया, यदि दंड ढीला पड़ जाता है तो हमारे शास्त्रकारों का कहना है कि वेद की मर्यादा का लोप हो जाता है, कोई कानून को मानेगा ही नहीं। नक्षत्री दंड नीतौ हताया,
दंड कड़ा होना चाहिए कि जिससे प्रजा थर थर कांपे, डरे कि हमसे कोई गलती होगी तो राजा हमको बड़ा दंड देगा। अब तो महाराज उसकी उग्रता से जितने डाकू थे, चोर थे, सब के सब भाग गए। बड़ी भारी उसके पास विभूति, एक बस दोष ये था कि वो बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करता था, मानता किसी को नहीं था और अपनी तारीफ करवाता था, अपनी स्तुति करता था। मदान दुष्ट निरंकुश हाथी की तरह जहाँ जाए महाराज धरती कांपने लगे। उसने सारे आहा रेडियो से घोषणा करवा दी, डोंडी पिटवा दी सारे देश में, न जस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम विदात हो चुका। हमारे राज्य में कोई यज्ञ न करे, दान न करे, होम न करे, निवारयत धर्मम भेरी घोषेणा सर्वतः। अब महात्माओं ने देखा, बोले कि इससे तो प्रजा का बड़ा भारी अमंगल होगा। राजा न रहे तो चोर डाकू बढ़ते हैं और राजा हो तो ऐसा उपद्रव करता है। अराजकता के भय से तो हमने इसको राजा बनाया, अब यही भय दे रहा है तो प्राणियों का कल्याण कैसे हो। सांप को दूध पिलाना पिलाना ठीक नहीं है, ये तो प्रजा का नाश चाहता है। तो चलो चल के समझाए बुझाए, पहला उपाय तो यही है ना, और कि समझा बुझा के काम चले तो चला देना चाहिए, ये पहला उपाय है। और नहीं मानेगा तो ये तो मरी चुका है, जब प्रजा इसके विरुद्ध है तो इसको मार भी डालेंगे तो कोई कुछ बोलेगा थोड़ा। जब प्रजा ही विरुद्ध हो गई, जिस राजा जिस राज्य के विरुद्ध प्रजा हो जाए उस राज्य का तख्ता उलट जाए तो फिर कोई उपद्रव नहीं होता है, शांति हो जाती है। तो लोक धिक्कार संदग्धम दहित्याम स्वतेजसा, ऐसा निश्चय करके मुनि लोग गए बड़ी सांत्वना से, अपने गुस्से को भीतर छिपा के गए और बोले कि महाराजा आप हमारी विज्ञापना सुनिए, इससे आपकी आयु श्री बल कीर्ति की वृद्धि होगी। मनुष्य जब धर्म का आचरण करता है